की शॉपिंग हो या फिर छोटा मोटा सामान लाना हो, अगर आप सुपरमार्केट गए हैं तो सबसे पहले आपकी नजरें ट्रॉली को ढूंढती हैं, और कुछ लोग तो इसमें लगी एक्स्ट्रा सीट का भी भरपूर फायदा उठाते हैं। एक एवरेज शॉपिंग ट्रॉली की लाइफ की शुरुआत होती है स्टील वायर के एक बड़े से स्पूल से। इसके जैसे हर एक स्पूल में 1.5 किलोमीटर का वायर लिपटा रहता है। सबसे पहले वायर को एक साइज में कट किया जाता है, फिर एक मशीन में डालकर इसे सीधा करके एक स्पेसिफिक लंबाई में काटा जाता है। इसको किस साइज में काटना है ये डिपेंड करता है कि ट्रॉली का कौन सा हिस्सा बनना है। ट्रॉली बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले बारी आती है बास्केट की, जिसमें शॉपिंग का सामान रखा जाता है। इन वायर के टुकड़ों का एक ग्रिड तैयार किया जाता है, जिसमें वायर्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। फिर इस ग्रिड को एक मल्टीपल वेल्डर में डाल दिया जाता है, जो इन टुकड़ों को जोड़ देता है। शॉपिंग ट्रॉली की लाइफ आसान नहीं होती, इन्हें काफी बोझ उठाना पड़ता है। कभी ग्रोसरी स्टोर में ये सामान से लद जाती हैं, तो कभी कपड़ों का ढेर डाल दिया जाता है, इसलिए इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक तरफ वायर ग्रिड की वेल्डिंग की जा रही है, वहीं वायर्स को ट्रिम भी किया जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़े लंबे टुकड़े काटे जाएंगे, क्योंकि इन्हें शॉपिंग बास्केट के सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। इस प्रेस से वायर को रेक्टेंगल शेप मिलता है, ये बास्केट को कस के पकड़ती है और उसे एक्स्ट्रा मजबूती भी देती है। तैयार वायर ग्रिड्स को प्रेस में डाला जाता है, जो इन्हें ट्रॉली का वो बास्केट शेप देती है जिसे आप और हम सुपरमार्केट्स में देखते हैं। दो या तीन रेक्टेंगुलर सपोर्ट्स को ऐड करके वायर बास्केट को क्लैंप्स में इनक्लोज कर दिया जाता है, ताकि आगे की वेल्डिंग के लिए सारे हिस्से अपनी जगह पर बने रहें। इस ढांचे को परमानेंटली फिक्स करने के लिए 204 अलग अलग बेल्ट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंसानों को जो काम करने में घंटों लग जाएंगे, इस रोबोट के लिए वो काम 2 मिनट का है। रोबोट का काम खत्म होने के बाद अब वर्कर्स की बारी है। तैयार बास्केट को ट्रिम किया जाता है, ताकि किसी भी तरह के एक्स्ट्रा वायर के टुकड़े ट्रॉली में लगे हुए न रह जाएं। अब इन्हें ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाएगा। ट्रॉलीज को काफी समय बाहर बिताना पड़ता है, और पता नहीं इन्हें कितनी बार टक्कर और ठोकर खानी पड़ेगी। इन्हें नुकसान न पहुंचे, इसलिए इन्हें 19 बार वॉश किया जाता है। सबसे पहले मेटल को डीग्रीज किया जाता है, ताकि धूल मिट्टी दूर हो जाए। इन्हें कई बार वॉश किया जाता है, जिसमें एक एसिड वॉश भी होता है। ट्रॉलीज के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम घिसने या जंग लगने की भी होती है। कुछ एलिमेंट से सामना होने से मेटल को काफी नुकसान पहुंचता है। ट्रॉलीज को जंग से बचाने के लिए वायर स्ट्रक्चर को गैल्वनाइज किया जाता है। इन बॉल्स में लगा जिंक स्टील से चिपकता है, जो उसे एक टफ रस्ट प्रूफ लेयर देता है। एक एवरेज शॉपिंग ट्रॉली की उम्र करीब 8 साल होती है, इसलिए उसे इतना प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी है। फाइनली बास्केट को वार्निश किया जाता है। अब ट्रॉली को असेंबल किया जा सकता है। बास्केट के फ्रेम को जोड़ दिया गया है, और पहियों को भी उनकी जगह पर फिक्स कर दिया गया है। जब ये व्हील्स घिसने लगती हैं, तो शॉपर्स को कई तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन मॉडर्न ट्रॉलीज को काफी रिग्रस डिजाइन और शॉक टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ट्रॉलीज की एक और प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार इसके व्हील्स सही डायरेक्शन में नहीं जाते, लेकिन इस प्रोडक्शन प्लांट में व्हील की परफॉर्मेंस को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। सबसे टफेस्ट टेस्ट के दौरान ट्रॉलीज के ऊपर 65 किलो का वजन लादकर उसे इस ट्रैक पर 6000 बार ऊपर नीचे किया जाता है। जरूरी है कि व्हील्स हर खुरदुरे रास्ते को झेल सकें, और बिना गिरे कंकड़ और पत्थरों का भी सामना कर सकें। यहाँ तक कि फोल्डिंग बेबी चेयर की परफॉर्मेंस को भी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। तमाम तरह की टेस्टिंग के बाद मैन्युफैक्चरर्स को यकीन हो गया है कि ट्रॉली के व्हील्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहां आप ले जाना चाहेंगे।
अब बास्केट्स को चेसी में फिट करके आगे बढ़ाया जाएगा। इनके पीछे के हिस्से को अटैच कर दिया गया है। इसमें बेबी सीट है और ये फोल्ड हो सकती है ताकि स्टोरिंग में परेशानी ना हो और दूसरी ट्रॉलीज को भी मूव करने में आसानी हो। अब इसमें एक हैंडल ऐड किया जा रहा है जिसमें कॉइन स्लॉट लॉक है। ये शॉपर्स को उन महंगी ट्रॉलीज को वापस करने के लिए लगाया जाता है जिन्हें रिप्लेस करना आसान नहीं है। और आखिरकार एक कंप्लीट क्वालिटी टेस्ट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि हर चीज सिक्योरली फिट हुई है या नहीं। कोई नहीं जानता कि दुनिया भर में कुल कितनी शॉपिंग ट्रॉलीज हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, जिस सुपरमार्केट में घुसते ही ये हमें दिखाई न दें, शायद हम वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं, हर साल ब्रिटिश शॉपर्स अपनी ट्रॉली के साथ 90 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा चलते हैं, यानी किसी बड़े से मोटर रेस ट्रैक के 50 लाख गुना भार।